गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फ्रॉम सेंट जेवियर सेंट्रल एकेडमी कोहरा सारण. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश प्रोज. दिस इज फॉर क्लास 3 चैप्टर 2 ए फुलिश मिल्कमेड. एक मूर्ख दूध दासी. ठीक है, तो पेज नंबर 15 इट्स सेज दैट Once there was a milkmaid, एक बार एक दूध दासी. ओके, हर नेम वॉज तनु. उसके नाम क्या थे? तनु. One day she had been to the meadow. एक बार वो कहाँ जा रही थी? घास के मैदान की ओर वो जा रही थी. She was going there to milk her cows. क्यों जा रही थी? To milk her cows. मतलब गाय से वो दूध निकालने वो जा रही थी, धोने जा रही थी. After milking her cows, she was returning home with a pail of milk on her head. एक मतलब दूध का प्याला, मतलब पूरा एकदम धोई. मतलब क्या बोलते हैं, काव से वो दूध निकालने के बाद वो एक दूध का प्याला में पूरा एकदम ये करके रखी. रखने के बाद वो सर पे वो रखकर वो निकली. As Tanu was a poor milkmaid, जैसे कि तनु जो है ये एक क्या बोलते हैं दूध बेचने वाली एक दासी थी. She always wanted to have all comfort of life. आराम का जीवन वो बिताना वो चाहती थी. One day on the way she thought, तो रास्ते में वो जाते जाते ऐसा वो सोच रही है, I shall make cream and butter out of this milk. मैं इस क्रीम सॉरी मिल्क के जरिए से दूध के जरिए से मैं इसमें से क्रीम और बटर में बनाऊंगी मक्खन. I shall have good money. और इससे मैं अगर मैं बेच दूंगी तो then I by selling butter I shall have good money. अगर मैं ये मक्खन को या क्रीम को अगर मैं बेचूंगी, बेचने के बाद जो मुझे अच्छा खासा क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा. After that I shall buy some eggs. और उसके बाद मैं कुछ क्या अंडे खरीद लूंगी. And when the eggs will hatch, ये अंडे क्या होगा, मतलब अंडा देने लगेगा या फटने लगेगा. When the eggs will hatch I shall have a good poultry farm. धीरे धीरे मैं क्या करूंगी, मैं एक मुर्गी पालन फार्म बनाऊंगी. ठीक है, तनु द मिल्क मेड फॉर द थॉट. और उसके आगे की ओर भी वो सोचने लगी कि आई शैल सेल माय ओन माय फोल्स. आई शैल सेल सम ऑफ माय फोन्स. और मैं इसे कुछ पक्षियों को मैं क्या करूंगी, बेच दूंगी. बेचने के बाद एंड बाय सम फाइन ड्रेस. और मैं कुछ अच्छे कपड़ा मैं खरीद लूंगी. सींग इट्स ऑन माई फेयर बॉडी ऑल दैट पीपल विल एडमायर मी. अगर मेरे मतलब क्या बोलते हैं कि ये सारे चीज बेचने के बाद मैं अच्छा मतलब मुझे पैसा मिल जाएगा, पैसा मिलने के बाद मैं अच्छे अच्छे कपड़ा खरीद लूंगी. कपड़े खरीद लेने के बाद मैं जब पहनूंगी तो मैं बहुत सुंदर दिखने लगूंगी और लोग मुझे देख कर चौंक जाएंगे. But I will turn them away just tossing my head at them. और मैं उन लोगों को ऐसे मतलब देखने लगूंगी कि मैं पटक से हुए उन लोगों के मतलब सर को मैं ऐसे करके हुए मैं चली जाऊंगी वहां से. अनदेखा करूंगी कि देखिए कि मैं कितना ये करके मतलब मैं पैसा कमाई, मैं कितना सुंदर दिखती हूँ, मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना अच्छे अच्छे कपड़े हैं, लोगों को मैं दिखाऊंगी, ऐसा वो मन में सोच रही है. लॉस्ट इन डे ड्रीम्स, मतलब पूरे दिन में ये जो क्या बोलते हैं सपना देख देख के खुद खो गई. तनु द मिल्क मेड फॉरगेट अबाउट द पेल ऑफ हर हेड. और सपना देख देख के मतलब ऐसा खो गई कि मतलब उसको मतलब इतना भूल गई कि उसके सर पे क्या है, एक दूध का प्याला है. She tossed her head with a jerk and the pail of milk came tumbling down. और मतलब एक झटके से क्या हो गया, वो अपना दूध की जो प्याला को वो फेंक दी.
ओके, अपने सर से वो फेंक दी और फेंकने के बाद क्या हो गया, केम पेल ऑफ मिल्क केम ट्रम्बलिंग डाउन, और धीरे धीरे सब दूध नीचे गिरने लगा. इट वॉज ब्रोकन एंड ऑल द मिल्क गॉट स्पिल्ड. ओके, और ये बाल्टी जो है, जो प्याला जो है, ये क्या हो गया, टूट गया और दूध सब बिखरा गया. ओके, सो देन she's crying, oh dear, dear, oh dear, she cried, I have lost my all. क्या हो गया, क्या हो गया, मैंने सब कुछ खो डाला. ओके, मैं खो दी, ऐसा वो अपने सर पे मतलब मार मार के वो बोल रही है कि मैं मतलब जितना था, ओके, जितना मेरा सपना था सब क्या हो गया, बेकार हो गया. सो इन दिस स्टोरी द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नॉट काउंट अवर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड. ओके, हम लोगों को पहले से ही हम जो चिकन्स को गिनना नहीं चाहिए. ओके, मतलब जब तक ये अंडे से भरा हुआ रहता है, ओके, तब से पहले हमको इसको नहीं गिनना चाहिए. जब ये हैच होगा, फट जाएगा, जब चिकन आएंगे, ओके, बाहर निकलेंगे, तब इसको काउंट कर सकते हैं और इसको बेच सकते हैं और उसके बाद आप नया नया कपड़े खरीद सकते हैं. ओके, पोल्ट्री या फार्म बना सकते हैं मुर्गी का, हाँ, और पक्षियों को बेच सकते हैं. लेकिन ये कुछ अभी तक नहीं किया, ये जस्ट इमेजिन, ये सिर्फ एक कल्पना है. मतलब आप सिर्फ सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं. तो सपना को क्या करना है, आपको साकार करना है. तो खड़े खड़े सपना देखने से नहीं होता है, उसको कार्य करके हमको दिखाना चाहिए. ठीक है, उसको कार्य में पालन करना चाहिए. यू हैव टू व्हाट, डू योर ड्यूटी प्रॉपरली, यू शुड नॉट जस्ट ड्रीमिंग. ओके, हमको सिर्फ सपना नहीं देखना चाहिए. देखो ये सपना, खड़ी खड़ी सपना देख रही थी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, लेकिन क्या हो गया, एक झटके से वो अपने दूध की जो प्याला जो है उसको वो गिरा दी, और जिसके वजह से वो सारे दूध क्या हो गया, खराब हो गया, बिखरा गया. ओके, जो वो सोच रही थी कि मैं इस दूध से क्या करूंगी, क्रीम बनाऊंगी, बटर बनाऊंगी, उसको बेचूंगी, बेचने के बाद मैं अंडा खरीद लूंगी, अंडा खरीदने के बाद क्या होगा, इसे धीरे धीरे चिकन आ जाएंगे, फिर मैं एक बहुत बड़ा क्या बोलते मुर्गी का फार्म बनाऊंगी. ओके, और मैं इसे कुछ पक्षियों को मैं बेचूंगी, बेचने के बाद मैं नया नया कपड़ा खरीद लूंगी, मैं लोगों को दिखाऊंगी, ये सारे चीज सोच रही थी, सपना देख रही थी. लेकिन क्या वो सपना साकार हुआ, एक झटके से सब उसका जो सपना चूरमार हो गया, बेकार हो गया, खराब हो गया. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड. ओके, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, थैंक यू.